very interesting song. सारे गाने फिल्म के बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मेलेडीज है. और फैज़ अनवर साहब का सबसे बड़ा स्पेशलिटी ये है कि जो वो लिखते हैं उसमें कन्विक्शन बहुत होती है. बहुत कमर्शियल लिखते हैं बट बहुत सेंसिबल लिखते हैं. नैनो के ऊपर उन्होंने दबंग में भी लिखा था और नैनो हाँ तेरे मस्त मस्त दो नैन दिस फिल्म आल्सो नैना शातिर. तो ही हैज़ गॉट अ ट्रेमेंडस कमर्शियल सेंस. और मैंने जब गाना सुना था और इट वॉज रियली वेरी इंटरेस्टिंग मोमेंट फॉर मी व्हेन आई वॉज सिंगिंग. फिर उन्होंने कहा कि आपके ऊपर पिक्चराइज कर लेते हैं, तो आई सेड यस. सो ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, इसके पहले भी काफ़ी फिल्मों में मैंने ऐसा गानों में एक्ट किया है. तो इट इज़ रियली वेरी गुड सॉन्ग. बल्कि मैं ये कहूँगा कि पूरी फिल्म के सारे ही गाने बहुत इंटरेस्टिंग हैं एंड फिल्म इटसेल्फ इज अ वेरी हॉट. इट इज इट हैज़ गॉट फैबुलस रीजन आल्सो. मिस्टर योगी इज द डायरेक्टर एंड ही हैज़ गॉट वेरी वेरी ट्रेमेंडस सेंस. He is a very, very nice person, very good director. He is a very dear friend of mine. और ये फिल्म बेहतरीन साबित होगी. ना कहानी मुश्किल होनी चाहिए, ना गाना मुश्किल होना चाहिए, ना गाने वाले को गाते वक्त मुश्किल होनी चाहिए. We belong to entertainment world. हम मनोरंजन की दुनिया से संबंध रखते हैं. हमारी कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं, आसान होनी चाहिए. तो मेरे लिए कोई भी गाना ना चैलेंजिंग होता है ना मुश्किल होता है, क्योंकि मुझे जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है उसमें एक बात का ध्यान रखा जाता है कि चीज़ साधारण कन्विक्शन के साथ हो, इंटरटेनिंग हो. दैट्स आई ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन सिंगिंग. तो कभी कभी मैं नाम नहीं फिल्म का पूछ पाता, लेकिन फिलहाल ये लव के फंडे है, रंगून है, सुल्तान इटसेल्फ है और मैनी अदर्स, बट नाम नहीं याद आ रहे. इस फिल्म के अंदर शुड बी अराउंड आई थिंक सो 5 सॉन्ग एंड एवरी सॉन्ग इज रियली इंटरेस्टिंग. नैना शातिर बड़े, नैना शातिर बड़े, नैना शातिर बड़े है, नैना शातिर बड़े. फिल्म में लव के फंडे मीन्स गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स हैं मेजरली. हाफ ऑफ द फिल्म तो आपको पता नहीं चलेगा कौन बेसिकली किसका गर्लफ्रेंड है और कौन किसके बॉयफ्रेंड है. मैं एक अकेली इधर हूँ जो वाइफ का रोल प्ले कर रही है. शी इज़ अ कॉरपोरेट वूमेन और अपने पति के लिए बहुत डेडिकेटेड है, अपने घर के लिए बहुत डेडिकेटेड है. उसको वो बाहर के लव के फंडों के चक्करों में नहीं है. सो दैट्स माई कैरेक्टर. माई कैरेक्टर नेम इज़ जस्सी. शी इज़ अ वेरी सोफेस्टिकेटेड लेडी. सो बाकी इन लोगों के एक दूसरे लड़कियों को पटाने के चक्कर चल रहे हैं. कोई किसी को पटा रहा है, कोई इसको छोड़ के दूसरे को जा रहा है. सो दैट्स कॉल्ड लव के फंडे. सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वे ऑफ पटाओ गर्ल्स. रियल लाइफ में आई एम वेरी फोकस्ड. मेरे कोई आई डोंट बिलीव इन चार पांच बॉयज बॉयफ्रेंड्स एंड दिस दैट. सो आई डोंट बिलीव इन दैट. आई बिलीव इन ओनली वन बॉयफ्रेंड हु इज़ देयर इन माई लाइफ एंड विल बी देयर इन माई लाइफ थ्रू आउट. आई एम देयर ऑन द टी वी. देर इज़ वन शो कॉल्ड गुपचुप ऑन सब टी वी. आई हैव स्टार्टेड शूटिंग विद देम एंड आई एम प्लेइंग अ मेन लीड इन दैट. एंड ऑन फ्लोर वी हैव ऑलरेडी गॉन एंड जुलाई इन सम डेट इट विल बी ऑन एयर. सो या दैट इज़ साइड बाई साइड इज़ गोइंग. मैं सिर्फ जो गाना है उसको मैंने देखा है. वेरी वेल शॉट, गाना अच्छा है एंड ऑफकोर्स सुखविंदर जी उसमें परफॉर्म कर रहे हैं. डेफिनेटली इतने बड़े बड़े नाम हैं, इतना अच्छा गाना है, तो यकीनन अच्छा ही होगा और अच्छी बनेगी. इंद्रवेश जो डायरेक्टर हैं मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं. मैंने एक शो किया था नाना इज दिस लाडू कलर्स पे, तो उस समय इंद्रवेश मुझे आके हरियाणवी बोलना सिखाते थे. तो मैं तब से उन्हें जानता हूँ, 7 साल हो गए हैं. सो उस समय उन्होंने इतनी मदद की थी. सो आई जस्ट फील एज अ फ्रेंड आई शुड बी हियर फॉर द लॉन्च ऑफ हिज फर्स्ट फिल्म एंड ही इज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब. नहीं नहीं, मेरा कोई किरदार नहीं है, कोई गेस्ट अपीयरेंस नहीं है. मैं सिर्फ क्योंकि इंद्रवेश मेरे दोस्त हैं और मैं चाहता हूँ कि डेफिनेटली फिल्म अच्छी बनी है, लोग इसे देखें एंड उन्हें मालूम पड़ेगा कि लव के कितने सारे फंडे होते हैं. आई थिंक एक शो हमारा है जी पे आने वाला है, अम्मा जिसका नाम है, उर्वशी शर्मा उसमें वापस लॉन्च हो रही हैं एज एन एक्ट्रेस. ये शनिवार को वो शो चालू होने वाला है 10:30 रात को, ट्वाइस अ वीक सैटरडे एंड संडे. सो प्लीज़ डेफिनेटली वॉच द शो. और कमाल की बात यह है कि उसमें आई हैव अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ रोल जिसमें मैं एक अंडरवर्ल्ड डॉन शेखरन शेट्टी एक पात्र है वो रोल कर रहा हूँ. सो समथिंग डिफरेंट टू लुक फॉरवर्ड टू. दैट्स द वे ही लुक्स एट थिंग्स. उनका अपना तरीका है लाइफ को देखने का. आई एम नोबडी टू पॉइंट फिंगर्स कि ये सही है या ये गलत है. मैंने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी कही हैं
और करी हैं, जिसमें मैं भी बहुत सारी चीज़ों में अटक गया था. सो आई एम नोबडी टू पॉइंट फिंगर्स एट एनीबडी. अगर वो माफ़ी मांगना चाहते हैं, इट इज़ हिज डिसीजन, हिज पर्सनल डिसीजन. उसमें आप किसी से ज़बरदस्ती कुछ कहलवा नहीं सकते. वेल, मैं कहूँगा कि सबसे बड़ी चीज़, इतना बड़ा रेप केस हुआ था 16 दिसंबर को, 3 साल पहले. उसके बाद हम चिक चिक के हमने कहा कि जो लॉ को चेंज करना चाहिए. 3 साल के बाद जो लड़का 18 साल से कम है उसको कैसे छोड़ दिया? सारा देश इकट्ठा हो गया था. क्या हुआ? लॉ वहीं का वहीं है. वो लड़का 3 साल के बाद चला गया बाहर और आज वो अपनी ज़िंदगी जी रहा है. कहाँ हुआ लॉ चेंज? इतना बड़ा केस हुआ, सारा देश इकट्ठा हो गया, लेकिन लॉ कहाँ चेंज हुआ? देश की छवि किसी एक इंसान के बयान से न टूटती है न बनती है. सो आप अगर इज्जत देना चाहते हैं, सबके अपने अपने तरीके हैं, प्लीज़ आप सब लोग जितने भी हैं अपने तरीके से अपनी औरतों को अगर आप इज्जत देना चाहते हैं, वहाँ वो अगर माफ़ी मांगना चाहते हैं वो उनके ऊपर है, एंड उसको आप कोई फोर्स नहीं कर सकता है. मैं बहुत सारी चीज़ें बोल देता हूँ, गुस्से में आके बात करते हुए निकल जाती हूँ. सो माई रोल इन द मूवी इज़, उसका नाम आर्यन है, जो एक थोड़ा कैसिनोआ टाइप का इंसान है और जो बहुत ही फ्लैम्बॉयंट है और जो ही ओन्स द पब. सो आपने जो गाने में पब देखा है, लाउंज देखा है, वो मेरा है और वो पार्टी मैंने थ्रो करी है अपेरेंटली इन दी मूवी. सो ही ओन्स अ पब, ही ओन्स अ लाउंज वेयर ही इज़ अ वेरी पार्टी गोइंग फन लविंग गाय, जो लाइफ को सीरियसली लेता है इन टर्म्स ऑफ वर्क, बट ही डजंट टेक लाइफ टू सीरियसली इन टर्म्स ऑफ लव. सो ही ऑलवेज फील्स दैट ठीक है, आज पूजा कल कोई दूजा टाइप्स. मेरे लिए यार मैं पसीने छूट गए, मैं बता रहा हूँ. मैंने बहुत प्रिपरेशन की इसके लिए, मैं अलग अलग लड़कियों को पटाने की कोशिश में. हाँ, मैं एक्टर यार, आई डू माई जॉब. आई मैंने मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि जब लड़की, जब आपको पता हो ना कि स्क्रिप्ट में लड़कियों को, लड़कियाँ थप्पड़ नहीं मारेंगी, तो यू कैन फ्लर्ट अराउंड ना. जब आपको पता ही ना हो कि भैया लड़की थप्पड़ मार दे, तो सो नथिंग लाइक दैट. आई हैव एन्जॉयड इन द मूवी एंड आई हैड गुड फन यार. आई थिंक दिस सॉन्ग इज़ माई फेवरेट. नैना शातिर बड़े, सुखविंदर जी का मैं बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ैन रहा हूँ और मैंने बहुत उनके गाने सुने हैं. इनफैक्ट जब मुझे पता चला कि सुखविंदर जी गाना गा रहे हैं और वो इसमें फीचर भी करेंगे, आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड. एंड आई स्टिल रिमेंबर जब हम लोग पहली बार मिले और मैंने उनको बोला कि यार सुखी पाजी, मुझे एक आपसे वो गाने की लाइन सुननी है. ही वॉज लाइक कौन सा? तो मैंने मुझे बहुत जो द फर्स्ट टाइम आई रिमेंबर ऑफ सुखविंदर जी इज़ कम्बख्त इश्क है जो. So I had asked him to sing that and we had a good time. Yeah. I love this song. Naina Shatir Bade, I think is my best. Back to TV tab hoga jab main TV chhodunga. Main ek show kar raha hu jiska naam hai Surya Putra Karn, jo Sony pe aata hai and it is leading the channel, so it's doing very well. Swastik ka show hai aur main us pe kaam kar raha hu aur main wahi se shooting se abhi aaya hu aur main wapas shooting mein nikal jaunga. So television to chalta rahega. Dekho, mere to koi love ke funde hai nahi iske andar, ulta mere sath love ke funde hue hain. I mean ek ladka mujhe propose karta hai कि मतलब आई लव यू एंड ये, लेकिन मैं भी ठीक है, मेरे को भी हाँ कि हाँ ठीक है, एक लड़का मुझे प्रपोज कर रहा है एंड ठीक ठाक है, तो ओके फाइन. लेकिन मुझे बाद में पता लगता है कि इज़ मैरिड. सो मेरे साथ लाइक पूरी मूवी में यही हुआ है, मुझे जब भी प्यार हुआ है मैरिड लड़के से ही प्यार हुआ है. सो मतलब मेरे साथ ट्रेजेडी कह लो, क्या कह लो, मुझे खुद नहीं पता चला, बट अच्छा था बहुत, जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ. मेरे साथ 2 बार ऐसा हुआ है एंड थर्ड मेरा जो फ्रेंड होता है राहुल सूरी, वो भी आया नहीं है. सो उसके साथ लाइक एंड ऑफ द मूवी आई रियलाइज कि हम एक्चुअली आई एम इन लव विद हिम, नॉट दिस. लाइक मुझे प्यार हमेशा गलत हुआ, मैं पूरी मूवी में यही बोल रही हूँ कि मुझे प्यार हमेशा गलत होता है. नहीं, रियल लाइफ में मेरे कोई फंडे नहीं है बिकॉज आई एम फोकस ऑन माई वर्क, सो ये सब चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं है. मुझे बहुत अच्छा लगा, पूरी टीम ने सपोर्ट किया, स्पेशली फैसर ने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं, यू कैन डू इट, आप कर सकते हो. सो क्योंकि ये कैरेक्टर बिल्कुल मेरे लिए ऑपोजिट था, क्योंकि इट्स कम्प्लीटली बोल्ड एंड रियल लाइफ में, एंड रियल लाइफ में इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट, क्योंकि मैं रियल लाइफ में ऐसी नहीं हूँ जो मैं रियल लाइफ में दिख रही हूँ. सो इसमें थोड़ा मेरा बोल्ड है. सो डू वॉच, आपको अच्छा लगेगा, पसंद आएगा. पहले मैं अपना नाम बताऊँगी, मेरा नाम है सूफी गुलाटी, मैं हूँ पंजाब से और इससे पहले मैं एक मूवी कर चुकी हूँ मुंडे कमाल ने, एंड जो कि बहुत अच्छी थी. और इस मूवी में जो मेरा करेक्टर है उसका नेम है रिया, जो एक बहुत सिंपल लड़की होती है. बहुत सारी लड़कियाँ जैसी मैं हूँ उस पिक्चर में, बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी होंगी जो उस रियल बेस पे होगी, लाइक बहुत सिंपल होती हैं और उनको एक ही लड़के से प्यार है. उस मेरी जैसी लड़की को एक ही लड़के से प्यार है, एम्पायर से बात हुई, सब कुछ है भगवान का दिया हुआ, बट एक नहीं है तो प्यार नहीं है. मैं विश करती हूँ पूरी मूवी में कि वो लड़का मुझसे शादी कर ले, और पूरी मूवी घूमती रहती है एट द एंड बस वही फंडे इस्तेमाल कर करके
तब जाके लव के फंडे बनी है और वो लड़का लास्ट में मुझसे शादी करता है। एक्चुअली ज़्यादा मुश्किल नहीं था, मैं थोड़ी अपनी रियल लाइफ में थोड़ी चुलबुली नोटी हूँ, थोड़ी हंसी मजाक करने वाली हूँ, और एकदम उसमें सीरियस रोल मेरे लिए तो थोड़ा सा था। ऑलमोस्ट यही है कि बस एक बहुत सिंपल लड़की हूँ, एक ही लड़के से प्यार करती हूँ, एक ही सपना है कि उससे शादी कर लूँ, भगवान का दिया वो सब कुछ है और वो लड़का शादी जैसे कॉन्सेप्ट में विश्वास नहीं करता। तो पूरी मूवी में मुझे फंडे इस्तेमाल करने पड़ते हैं, कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ना पड़ता है कि कब वो मेरे पास आए और शादी के लिए मान जाए। और जाने से पहले मैं आप सब लोगों को एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ तहे दिल से कि हम लोगों ने इस मूवी के लिए बहुत सारी मेहनत करी है। देखिए हर एक का सपना होता है मूवीज़ में आना, और जो लोग करते हैं उन्हीं को पता है शायद उनके लिए ये चीज़ क्या मायने रखती है। सो सबसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 लव के फंडे 15 जुलाई को आप लोग ज़रूर देखने जाना, ये है लव के फंडे। थैंक यू सो मच। भाई सबसे पहले मैं ये बता दूँ, ये हर्ष रियल लाइफ में एक बहुत ही अच्छा इंसान है जो फिल्म में बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये फिल्म रियल लाइफ से इंस्पायर्ड नहीं है, बट डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे करती है। तो और मेरा जो किरदार है फिल्म में वो एक टू टाइमर का किरदार है, क्योंकि यार रियल लाइफ में भी हमें किसी से कभी प्यार हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो जब दिल कहीं और दिमाग कहीं होता है तो ऐसा ही होता है, तो यू कैन हेल्प इट, अगर हमें किसी से प्यार हो जाए तो वो हो जाता है। तो मैं, मेरा जो किरदार है वो शादीशुदा होता है, उसकी नई नई शादी हुई होती है, लेकिन उसे एक लड़की पसंद आ जाती है और उसे लड़की के साथ प्यार हो जाता है। तो नाउ सब कुछ पजल्ड हो जाता है उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्योंकि दिल कहीं और दिमाग कहीं। तो इसी की कहानी है जो जिसे मैं कोशिश कर रहा हूँ दिखाने के लिए, क्योंकि यह बहुत सारे लोगों की लाइफ में यहाँ होता रहता है, आम बात है कि जिसे हम जाहिर नहीं कर पाते, कई लोग जाहिर नहीं कर पाते, कई जाहिर करते हैं। तो मेरा जो किरदार है वो इस कहानी को पोर्ट्रे करता है कि मुझे, मैं शादीशुदा हूँ और मुझे लड़की से प्यार हो गया, लेकिन इसके बावजूद कैसे उन कठिनाइयों से बाहर निकलता है या नहीं निकलता, इसके लिए आपको फिल्म देखनी। बेसिकली मेरा किरदार ऐसा है जो हर लड़का चाहता है जीना, पर वो जी नहीं पाता है, वो लिव इन रिलेशनशिप है। लिव इन रिलेशनशिप दूर से तो अच्छी सबको लगती है, पर जो भुगतता है वो सच में भुगतता है। हाँ, फिल्म के माध्यम से मैंने वो लाइफ जी ली, पर मैं अब जीना नहीं चाहता उसको। प्लीज डू वॉच अ फिल्म, इस 15th जुलाई लव के फंडे, जुलाई 2016।